सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल सुनाया होम कुकिंग विच, जिस विच अज मैं साउथ इंडियन जिहड़ी चटनी हुंदी है नारियल दी, उहदी रेसिपी जिहड़ी मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी। तां वैसे तां मैं अज राम तोरियां बनाईआं ने, तां मैं कहा कि चलो बारिश बार पै रही है ते होर कोई रेसिपी अज मेरा बनाउण दा मूड नहीं सी, ते फिर मैं कहा चलो छोटी जिही जिहड़ी रेसिपी है तुहाडे नाल शेयर करां, ते चलो बनाउणी शुरू करदे हां। नारियल दी चटनी बनाउण वास्ते मैं जो जो समान लिया आ, इह कड़ी पत्ते लए ने 5-7, दही लिया वै अद्धी कौली, लून जड़ा मैं स्वाद अनुसार पावांगी, थोड़ा जिहा पानी, सरसों लई है, सरों तो बिना जिहड़ी नारियल की चटनी, इहदा असीं तड़का नारियल की चटनी विच लगावांगे सरों का ते तेज पत्ता कड़ी पत्ते का, तो इस तो बिना ये जिहड़ी चटनी साडी अधूरी है। नाल ही मैं थोड़ी जी चीनी लई है, तो ये जिहड़ा मैं फ्रैश नारियल जिहड़ा आ लिया वै, इहनू धो के छिलके मैं रख लिता साफ करके, तो तड़के वास्ते जिहड़ा लिया है रिफाइंड तेल। तो चलो सब तो पहले असं इन चीज़ों नारियल को कट के छोटा छोटे पीसा के मिक्सी के ग्राइंड करा। नारियल का मैं इस तरह ना छोटे छोटे जड़े पीस करके ग्राइंडर के पा लवांगी इस तरह ना। ये साउथ इंडियन जी हैगी चटनी है, पर पंजाब दे विच भी थानू पता अजक सारे साउथ इंडियन हर तरह का खाना जो खाना पसंद करते हैं, तो हर तरह की डिश जी असं कहने भी असं घर बनाइए तो खा के देखिए किस तरह की लगती है। ये चटनी मैं बहुत बारी खाधी है, तो मैं क्या चलो यदि रैसपी जी मैं अज्जे शेयर करा। यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है, तो नारियल का जोड़ा स्वाद आता ना बहुत ज़्यादा वधिया लगता है, क्योंकि नारियल जरा सबन बहुत पसंद हों, भी फ्रैश नारियल हो कोई खावे ना, ये तो हो नहीं सकता। तो इस तरह ना मैं छोटे छोटे जोड़े पीस है ये कर लवानी। बारिश बाद बहुत तेज़ हो रही है, तो इस लाइट भी बार बार जा रही है, 2-3 बारी जा चुकी है, मैं क्या चलो हूँ आई है तो हूँ आप थोड़ी जी छोटी जी वीडियो बना लीए। नारियल जिस तरह मैं सारा कट लिया, ये मैं पा देवगी थोड़ा जि जरा पानी, जिद कि जो सा ग्राइंडर चले तो ये जाम ना हो, क्योंकि पानी पावे तो जी गरी साड़ी सौखी तरीके जी हो जाएगी ग्रैंड। ठीक है, पानी पा के इन हूँ मैं पहले ग्रैंड करा। नारियल मैं इस तरह के नाल देख सकते हो ग्रैंड जरा कर लिया वे, तो हले असी जो पेस्ट होर बनावे। हूँ मैं ये बाकी के जोड़े मसाले पावगी, आ मैं दही लिया वे ये पा देवे, ये घर का फ्रैश दही है, तो खट्टा दही बिल्कुल नहीं तुसी यूज़ करना, ये जड़ा मैं ताज़ा दही लिया वे तो बिल्कुल भी ये खटास नहीं सी। तुसी जदों भी नारियल की चटनी बनाओ तो फ्रैश जड़ा दही है वही इस्तेमाल करो। नाल ही मैं ये मिठास वास्ते पावांगी थोड़ी जी 1 चमचा चीनी, तो नमक जड़ा आप पावांगे थोड़ा जिहा स्वाद के अनुसार। चलो तो हूँ आपू एक बार फिर चंगी तरह ने जरा मिक्सी ला के चंगी तरह पेस्ट जरा बनावे इस तरह ना। नारियल ते दही पा के विच मैं इन्हूं चंगी तरह देखो तुसी ग्रैंड कर लिया, तो बहुत ही ज़्यादा जड़ी क्रीमी जी जी चटनी साड़ी बन चुकी है। हुण इन्हूं मैं बोल दे विच कढ़ के ते इन्हूं तड़का लगावांगी। हुण चटनी नूं बोल दे विच इस तरह ना पट लवांगे। ये नारियल की चटनी तुसी स्नैक्स नाल भी खा सकते हो, बहुत वधिया तो बहुत ही टेस्टी जड़ी बनती है। एक तो ये क्रीमीपन, एक थोड़ी जी जी नारियल की मिठास, थोड़ी जी चीनी पा ली, दही पा लिया, होर भी ज़्यादा जरा फ्लेवर जरा बढ़ गया। इस तरह ना मैं सारी हम बॉल में कट ली है, तुम देख सकते हो आ इस तरह की जी बिल्कुल ही बनी हुई है। ये जरा जहा भी नारियल जरा नहीं है, बिल्कुल सब कुछ जरा ग्रैंड हो चुका है। देखो हूँ इन्हें मैं लगावगी तड़का, चलो लगाने पावांगे 2 टेबल स्पून रिफाइंड, रिफाइंड नूं चंगी तरह गर्म होने देवांगे। तेल साडा गर्म हो चुका है, हुण मैं इहदे विच पावांगी सरों, मैं 1/2 चमचा सरों दे लई है, नाल ही इहदे विच पा देवांगी कड़ी पत्ता, इहनूं चंगी तरह ना चटकन देवांगे। सरों ते कड़ी पत्ता साडे चंगी तरह पक गए ने, हुण इहदे विच मैं नारियल दी जिहड़ी चटनी नूं पा देवांगी, तो गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। हम असी इन कर देवे मिक्स, गैस जी मैं बंद कर दी है। नारियल की जी चटनी है साड़ी बन के बिल्कुल तैयार है। हूँ इन मैं बॉल में कढ़ लवी, जी चटनी है मैं बॉल कढ़ ली है, ये बहुत ही वधिया ढंग तरीके बन के तैयार हुई है।
जो भी थोड़ा मन करे तुसी नारियल की चटनी जी घर बड़ी आसानी ना बना के ते इनू डोसे दे नाल इडली दे नाल होर भी जिदा कई होंगे स्नैक्स वगैरह दे नाल तुसी इनू खा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ते हैल्दी हुंदी है। ते नाल ही जे तुसी नवे हो तो मेरे चैनल प्लीज़ सबसक्राइब करना ना भुलो, लाइक करो जे वीडियो चंगी लगती है, शेयर करो ते कमेंट करो। कमेंट करके मैनू दसो कि जो तुसी मेरी बनाई हुई रेसिपी घर बनाते हो तो किस तरह की बनती है, बच्चों किस तरह की लगती है। थैंक यू।